है, ठीक है। तो जनरली आप एक एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 8.2 में ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा पहले आपको बेसिकली आपको थोड़ा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहला देखिए आप फाइंड कीजिए, जैसे साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा वैल्यू इसका। तो साइन 45 का आपको पता होगा कितना वैल्यू होता है, 1/√2 होगा। आप टेबल की तरह से आप टेबल में देखें, और या तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताएं उससे आप सीखें आप, ठीक है, कैसे आपको ये वैल्यू सारे बता दो। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ठीक है, और कॉस 5 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। तो आपका इसका एलसीएम क्या होगा, देखें आप इसका एलसीएम क्या होगा, √2, और ये आपका क्या होगा, 1+ क्या होगा, 1, ठीक है। तो 1+1=2 होगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपका ये क्या होगा, 2√2/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया इसका आंसर, √2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल का हम आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल बता रहे हैं पहले, ठीक है, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल बता रहे हैं। नंबर 1 का साइन 60 डिग्री, नंबर 2 है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है, साइन स्क्वायर 30, तो आप दोनों का वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर से, यस, आप साइन 60 का देखिए, आप देख सकते हैं वैल्यू साइन 60 का होगा कितना, √3/2, ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर। √3 × √3 क्या होगा, 3, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, तो क्या होगा, 3/4, और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे क्या होगा बताइए, 4 और 3 − 1, तो 3 में बन जाएगा 2, 2/4 दैट इज द 1/2, ठीक है। तो इस तरह करके जो है, इस तरह करके आप उसको बनाएंगे, इसका ये आपका आर एस अग्रवाल का आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ईजी बताते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे सारे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, और ऐसे लाइज जहाँ पे हो तो आपको ऐसे लाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है 10 45 डिग्री, नंबर 3, ठीक है, वो क्या है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और क्या है, प्लस 3 sin² 60 डिग्री, ठीक है, 3 sin² 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू बैठा देंगे। आपको 10 45 का पता होगा आपको कितना वैल्यू होता है, क्या होता है आपका, 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और साइन 60 का होता है √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 3 होगा, √3 × √3 हो जाएगा आपका, और 2 का क्या होगा, 4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4+9/ क्या होगा, 4, तो ये आपका 13/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थिंग जो है, सबसे पहले चीज़ है नेक्स्ट में आपका फोर्थ नंबर में आपका जो है इसका कॉट स्क्वायर 60 माइनस ये दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या है, 3 sec² 45 डिग्री, ठीक है, ये आपका 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये आपका sec² 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहाँ समझे क्या होगा, आपका कॉट 60 का वैल्यू आप पुट करेंगे और सेक का वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस 60 का होगा आपका कितना, 3, ये हो जाएगा क्या, टेन 60 का होगा आपका 1/√3 होता, ये होगा √3 हो जाएगा, तो ये क्या √3 का स्क्वायर होगा, सेक 45 का होगा 1/√2, तो ये आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, √3 × √3 3 3 9 9 होगा, प्लस 2 दैट इज द 11 हो गया आपका। तो इस तरह करके आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका हम आपको एक्सरसाइज का इस तरह के क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम एक्सरसाइज का बता है, एक्सरसाइज 11 का है, ठीक है, एक्सरसाइज 11 का है। तो आप जो भी वैल्यू अगर आपके पास याद हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होता है, तो आपको सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो है वो वैल्यू क्लियर होना चाहिए आपका, अगर वैल्यू आपके पास कोई परेशानी नहीं होगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, साइन 60 एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज 11 है, आपका आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज, ठीक है, न्यू बुक से है ये, ठीक है, ठीक है ये आपका एक्सरसाइज क्या है, 11, एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 × cos 30,
ठीक है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, कॉस 60 इंटू साइन 30, सारे का वैल्यू बिठा दें आप। साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट अंडर 3/2 होगा। ये क्या आपका होगा, रूट अंडर 3/2। कॉस 30 का क्या होगा आपका, रूट अंडर 3/2 होगा, इसका भी सेम होगा। कॉस 60 का 1/2 होगा और साइन 30 का भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, 3, 2 2 जब 4 प्लस 1/4, तो क्या करेंगे, 3 + 1/4, तो ये आपका 4/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको माइनस चेंज किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 यही है आपका, लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30, यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या दे दिया है, माइनस। तो अब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे आप माइनस दे दें, यहाँ पर भी माइनस दे दें और ये भी माइनस दे दें, तो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 2/4 आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो आपका दिया हुआ है कॉस 60 इंटू कॉस 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस दिया हुआ है साइन 60 साइन 30, साइन 60 साइन 30, साइन 60 इंटू साइन क्या होगा, 30। सारे का वैल्यू बिठा दें, कॉस 60 का पता होगा क्या होगा, 1/2 मिलता है, और कॉस 30 का क्या होगा, रूट अंडर 3/2 होगा, ठीक है। ये साइन 60 का रूट अंडर 3/2 होगा, ये क्या होगा, 1/2 होगा। देखें यहाँ पे पूरा का पूरा एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है, तो आपका ये पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 होगा, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया यहाँ पे, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस 45, क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस 45 इंटू कॉस 30, कॉस 30 प्लस साइन 45, साइन 45 इंटू साइन 30, ओके, साइन 30। सो अब सारी का वैल्यू बैठा दें, कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा आपका, 1/√2, और कॉस 30 का हो जाएगा कितना आपका, कॉस 30 का हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा आपका रूट अंडर 1/2, ये 60 का सॉरी रूट अंडर 3/2 होगा। साइन 45 1/√2 होगा और साइन 30 का होगा 1/2 होगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2√2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 3+1 होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज भी कर सकते, रूट अंडर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट अंडर 6+√2, और ये आ जाएगा कितना आपका, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, सोलह क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर देते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर हम 5 बताते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 में लिखा हुआ है आपका टेन 30 कॉसेक 60, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है टेन 30 एंड कॉसेक 60, कॉसेक 60 ये दिया हुआ है, उसकी बाद लिखा हुआ है टेन 60 सेक 30, टेन सिक्सटी इंटू सेक 30, सबका वैल्यू बैठा है। टेन 30 का होगा 1/√3 और कॉस 60 का होगा आपका रूट अंडर 3/2, इसका जस्ट अपोजिट जो ऑपोजिट होगा 2/√3 प्लस टेन 60 का होगा आपका रूट अंडर 3, और कॉस 30 का वैल्यू होता है क्या, कॉस 30 का हो जाएगा आपका कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होगा आपका, तो रूट अंडर 3/2, तो यह आपका 2/√3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखें क्या होगा, 2/3 प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2 क्या होगा, 3 2 6 एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 होगा प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 6 3 क्या होगा आपका, सॉरी 6 2 क्या होगा आपका, 8/3 होगा। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, वो आपका क्या आ गया आंसर, इसका 8/3 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 3
अब आपको ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे को आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।